हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शायद सर्विस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज माय क्लास सेकंड सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज एजुकेशन। सो कल हमने लेक्चर जो डिस्कस किया था, दैट वाज ऑल अबाउट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, राइट? तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, मैंने कुछ डेफिनेशन आपके साथ शेयर किए थे। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब जो हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक है, आपको आपको खुद ही समझ आएगा कि हमारा टॉपिक आज क्या है। तो लेट मी अनाउंस द टॉपिक टुडे। वी विल जस्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है? तो इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें, गिफ्टेड चिल्ड्रन हमारा टॉपिक है, या गिफ्टेड चाइल्ड किसको कहेंगे, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। या ऐसा कौन से एजुकेशनल प्रोविजंस हैं जो हमें मतलब याद रखने हैं कि जब भी हम गिफ्टेड बच्चे को आइडेंटिफाई करें तो गिफ्टेड बच्चे को कब, कहां, कैसे क्लासरूम में आइडेंटिफाई करेंगे, और इसके क्या क्या एजुकेशनल प्रोविजंस हैं, वो सभी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट टू यू शायद सर, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस लेक्चर को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आप नोट डाउन करोगे। एंड माय डियर, एज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस नोट्स फॉर दिस वेरी सब्जेक्ट ऑन माय ऐप, तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या मैंने इसकी जो लिंक है, ऐप की लिंक है, उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप नोट्स को बाय कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट मी, आपको ऑलरेडी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके माय डियर, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। इसमें थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम है बेटा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई एम नॉट एट होम, तो आज मैंने थोड़ा बहुत मैनेज किया है, तो आपके साथ क्लास जो है शेयर करने वाला हूं। लेकिन मैक्सिमम जो क्लासेस आने वाले दिनों में होंगे वो मैं स्लाइड स्टोरी कराऊंगा, डायरेक्टली नोट्स पे, नोट्स स्क्रीन को आप शेयर करूंगा, बट यू हैव टू मैनेज फॉर 2-3 डेज, सैटरडे एंड संडे। तो ये इन दो दिनों में हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं अपने रूम में, जो मेरा सेटअप है, सिंस आई एम नॉट एट होम, सो दैट्स व्हाई मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। तो आज मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लिया है, तो लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, यहाँ दो दिन है। आई होप बेटा यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन अब यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। जनरली हम देखेंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में क्लासिफिकेशन तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे हम तीन चीजें हम आपको बताएंगे। वन इज गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैंने इस पे ऑलरेडी एक लेक्चर दिया है, बट ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से अब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब क्या है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बेटा, तो वन क्लासिफिकेशन, दैट इज गिफ्टेड चाइल्ड, अनदर इज माय डियर मेंटली चैलेंज्ड, जिसको हम MRD कहते हैं, मेंटली रिटार्डेड, एंड माय डियर सोशली चैलेंज्ड मीन्स सोशली डिफरेंट। इसमें बेटा आपको डेलिंक्वेंट्स पढ़ने हैं, डेलिंक्वेंट बिहेवियर आपको पढ़ना है इसमें, एंटी सोशल बिहेवियर। आप याद करेंगे मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, और इससे पहले जो पहला लेक्चर उसमें भी हमने डिस्कस किया कि अगर हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब है द चिल्ड्रन हु डीविएट फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, ईदर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। अगर ये डीविएट हुआ पॉजिटिव की ओर तो इसको हम कहेंगे गिफ्टेड चाइल्ड, अगर ये डिविएशन नेगेटिव की ओर है तो दे विल बी कॉल्ड एज मेंटली चैलेंज्ड। समझ आ रहा है ना बेटा? तो मतलब सब एवरेज मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी।
तो ये जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, ये क्लासिफिकेशन जो है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू. आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द आईक्यू. तो वी मेक यूज ऑफ दिस कर्व. दिस कर्व इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. अगर हम देखेंगे इसमें तीन हिस्से हैं. वन इज द नॉर्मल पोर्शन, मैक्सिमम पॉपुलेशन फॉल्स अंडर दिस, एंड 4% गिफ्टेड है एंड देन मेंटली रिटार्डेड और मेंटली चैलेंज्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आज हम डिस्कस करेंगे गिफ्टेड चाइल्ड. उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा मेंटली चैलेंज्ड, एंड तीसरा टॉपिक जो इसमें है दैट इज सोशली चैलेंज्ड, एंड देन फोर्थ टॉपिक जो है दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसी के साथ ये वाला जो भी कंप्लीट होगा. तो ऑलरेडी टोल्ड यू कि एजुकेशन में बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, लेंथी सिलेबस है. लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी या क्या कहते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी, वहां पे उनका उतना ज्यादा सिलेबस नहीं है. तो बेटा आप में ज्यादा फोकस अब एजुकेशन पे ही करूंगा, लेकिन आपसे वादा है कि जो साइकोलॉजी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी वालों के लिए जितने भी यूनिट्स है बेटा, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कवर करके दूंगा. आप कोई टेंशन नहीं लेगा. कमेंट बार बार आप कमेंट करते हो इस चीज को लेकर, सर ये वाला इस वाले लेक्चर पे कब वीडियो अपलोड करेंगे. नो, डोंट डू दैट. ओके, बट मुझे पता है कि मुझे कब कहां क्या करना है. तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. तो हमारा टॉपिक आज का है, तो ये क्लासिफिकेशन आप लोगों ने अच्छे से समझी है. अब चलते हैं बेटा पहला पोर्शन जो है दैट इज गिफ्टेड. अब देखिए गिफ्टेड में क्या 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 चीजें आपको पढ़नी. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गिफ्टेड बच्चे का मतलब क्या है. हम किसको गिफ्टेड कहेंगे? अगर आप टीचर हो, आपके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इनमें से गिफ्टेड कौन है? सही है ना बेटा? तो ये गिफ्टेड बच्चे की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. नंबर सेकंड कि आप अपने गिफ्टेड बच्चे को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. आपके पास ऐसे कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसकी वजह से आप गिफ्टेड बच्चों को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गिफ्टेड बच्चे का, आपने आइडेंटिफाई भी किया. फिर उसके बाद आपके पास ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं, एजुकेशनल प्रोविजंस, जो आप गिफ्टेड बच्चे के ऊपर इस्तेमाल करोगे. तो ये तीन चीजें आपको फोकस करनी है जब आपको पढ़ना है क्या गिफ्टेड चाइल्ड. तो आप सिलेबस में भी, सिलेबस के अंदर भी देख सकते हैं, वहां पर लिखा है गिफ्टेड चिल्ड्रन कैरेक्टरिस्टिक्स, एजुकेशनल प्रोविजंस एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, है ना, या आइडेंटिफिकेशन एंड देयर एजुकेशनल प्रोविजंस. तो यही तीन चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. तो चलते हैं बेटा स्टार्ट करते हैं. बेटा इस कमरे में थोड़ा बहुत इको की प्रॉब्लम है और थोड़ा शोर है. यू हैव टू बी एयर इट, यू हैव टू बी एयर. ओके, जब हम गिफ्टेड की बात करते हैं, गिफ्टेड की बात करते हैं, गिफ्टेड बच्चों को डिफाइन करना है. देखो अगर आप बुक भी देखोगे या मेरे नोट्स में भी जो भी मटेरियल अवेलेबल है, आपको बड़े आराम से समझ आएगा कि गिफ्टेड बच्चे का मतलब क्या है. ए चाइल्ड इज सेड टू बी, जबरदस्त डेफिनेशन एक है, साइकोलॉजिस्ट एक है जिसका नाम है टर्मन. टर्मन की डेफिनेशन अगर हम देंगे टर्मन, तो गिफ्टेड बच्चा जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, गिफ्टेड बच्चे को कैसे डिफाइन करेंगे. एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट प्रोफिशन, आईक्यू. याद रखना बेटा आईक्यू जो है इट इज बेसिकली इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. ये तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा. सेकंड सेमेस्टर में एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा. पर मैं कहता है कि गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है. अब कितना होता है इसकी एक स्केल है अकॉर्डिंग टू टर्मन. ए चाइल्ड इज सेड टू बी गिफ्टेड इफ इट इज आईक्यू रेंज इज 130 एंड अब. 130 एंड अब, ये सबसे ज्यादा ये क्राइटेरिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोशन किसका, गिफ्टेड बच्चे का. बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है,
There are n number of characteristics that can actually define what? Gifted children. इन्हें बहुत characteristics है, लेकिन उन सभी characteristics में जो सबसे ज्यादा important criteria माना जाता है gifted बच्चे के लिए वो है IQ, intelligent quotient, how intelligent you are. Intelligent, देखो for example, अगर आपकी एज 10 साल है, अगर आपकी एज 10 साल है लेकिन आप 15 साल के बच्चे का दिमाग रखते हो, आपकी एज 10 साल है लेकिन दिमाग आपका 15 साल के बच्चे का है, इसका मतलब है आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज्यादा है. योर मेंटल एज इज मच मोर देन योर ओवरऑल एज. आप 10 साल के हो लेकिन आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके थिंकिंग पैटर्न, आपके डिसीजन मेकिंग वो 20 साल के आदमी के जिस बराबर है. तो इसका मतलब है यू आर ए जीनियस. अब ये जो गिफ्टेड बच्चे हैं इनकी जो अलग टर्म्स है, अभी मैंने कहा इनको जीनियस भी कहते हैं, इनको टैलेंटेड भी कहते हैं, समझ आ रहा है? बट दीज आर माई डियर नैरो टर्म्स. बट गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है इट्स अ ब्रॉडर टर्म, इट इंक्लूड्स जीनियस एंड टैलेंटेड एक्सेट्रा. तो अब आपने क्या सीखा? ए चाइल्ड इज सेड टू बी गिफ्टेड इफ ही इज इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग. इसकी लॉजिकल थिंकिंग हर कोई पैटर्न, देखो बिहेवियर के अंदर आपने तीन चीजें याद करनी है, क्या? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. इन तीनों डायमेंशन में अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव डायमेंशन जबरदस्त हाईली आर्गेटिव एवरेज से कहीं ज्यादा एवो नॉर्मल आर्गेटिव पॉइंट, या अफेक्शन में इमोशंस आते हैं इमोशनली गुड, इमोशनली मैच्योर. साइकोमोटर, साइकोमोटर एबिलिटी इज वेरी गुड, नॉट वेरी गुड बट एक्सलेंट. तो याद रखना है इसको हम कहते हैं गिफ्टेड बच्चे. आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू. तो गिफ्टेड बच्चे के अंदर अब कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखने हैं? देखिए सिंपल है, जब अब अभी कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आ गया, इसकी पर्सनल लाइफ, इसकी सोशल लाइफ, इसकी स्कूलिस्टिक एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, मोटिवेशन, एवरीथिंग इज हाई. पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे मोटिवेशन, मैं ये रैंडमली बता रहा हूं, नोट्स पर बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है. मैं यहां पे आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, जब आप नोट्स को पढ़ोगे, बुक्स को पढ़ोगे, वल्ला आपको इजीली समझ आएगा. तो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज मोटिवेशन. तो मोटिवेशन एट पी देयर ऑलवेज मोटिवेटेड, ऑलवेज मोटिवेटेड एंड दे व्हेनेवर दे थिंक लॉजिकली. सो लॉजिकल थिंकिंग इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन. एंड देन नंबर नेक्स्ट इज दे आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट दे आर इंटेलेक्चुअली यू नो स्ट्रॉन्ग. इनका आईक्यू लेवल, तो आईक्यू लेवल जो है इट इज ग्रेटर देन 130. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड देन they are highly social, they are highly social, samajh aa gaya? They are not introvert, they are extrovert. So there are my dear so many characteristics. Decision making, they are high at decision making, they are their creativity may be very high, but jab hum creativity ko relate karte na intelligence se, ये जरूरी नहीं है कि गिफ्टेड बच्चे के अंदर हमेशा क्रिएटिविटी हो, पर जनरली अगर हम देखेंगे गिफ्टेड बच्चे में इंटेलिजेंस ज्यादा, इसका मतलब है क्रिएटिविटी भी ज्यादा होगी ऑब्वियसली. बट इट इज नॉट द जनरल केस कि कभी कभी आपकी इंटेलिजेंस ज्यादा है लेकिन आपको क्रिएटिविटी कम हो सकती है. ये अलग टॉपिक है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड द क्रिएटिविटी. बट यहां पे आपको जनरली अगर कहा जाएगा कि गिफ्टेड बच्चे में भी अगर क्रिएटिविटी होगी तो वो भी जबरदस्त क्रिएटिविटी होगी, ठीक है? हाईली सोशल, ऐसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, गिफ्टेड बच्चे को. तो ये सारी चीजें बेटा
जब आप बुक पे पढ़ोगे आपको इंशाल्लाह बहुत इजीली समझ आएगा। ओके नाउ ये हो गया कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने दो चार कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारे हैं, यू नो इनका एटीट्यूड लेवल, एप्टीट्यूड लेवल, कॉन्फिडेंस, यू नो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, आप खुद ही वो देख सकते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, इसमें सारी चीजें आती हैं, तो इट्स क्वाइट नाउ क्लियर नाउ ये बिट बच्चे। अब आपके पास कौन से ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स है जिससे हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेड बच्चा अच्छी तरह से समझ लिया, अगर उस बच्चे में ये कैरेक्टरिस्टिक सारे मौजूद है, सपोज टीचर पढ़ा रहा है, अभी अगर वो क्वेश्चन बोलेगा, अभी उसके क्वेश्चन बोला ही होता है, वो बच्चा जल्दी से जवाब देगा, तो कोई कैन ऑफ इन द रेस्पॉन्स, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भाई मुझे उसको अटेंशन ज्यादा ही देना है, क्योंकि ये बच्चा बहुत जहीर है, ये जल्दी जल्दी मेरे स्टिमुलस को रेस्पॉन्स दे रहा है, कोई भी टास्क इसको दो। तो टीचर में एक एबिलिटी ऑटोमेटिकली होती है, जब बच्चे को ऑब्जर्व करता है उसको खुद ही पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको जीनियस बनाता है। समझ आ गया बेटा? तो ये कैरेक्टरिस्टिक से ही आपको पता चलेगा कि बच्चा जो है वो जीनियस है कि नहीं है। तो चले बेटा स्टार्ट करते इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड देन एजुकेशनल प्रोविजंस। आई थिंक बेटा जस्ट सेकेंड, या आई थिंक इट इज ऑल फॉर टुडे, आज इतना ही पढ़ेंगे। तो इसके जो दो पार्ट्स हैं, यस इट इज वन नाउ, जो दो पार्ट्स हैं एजुकेशनल प्रोविजंस और आइडेंटिफिकेशन, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाउ माय डियर, वंस अगेन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।